हेलो देयर एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हैविंग अ गुड डे। तो यार, जैसे कि आप लोगों के पिछली वीडियो के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मेरे को ऑन कैंपस जॉब कौन एस का कॉलेज के अंदर कैसे मिली, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको वही एक्सप्लेन करना है। पूरी एक डिटेल्ड वीडियो है ये। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या जॉब रोल है, कैसे मेरे को जॉब मिली, कितनी पे है, मैं हफ्ते के अराउंड 36 to 38 आवर्स काम कर रहा हूँ ऑफ कैंपस एंड ऑन कैंपस जॉब को मिला के। ये उसी की एक डिटेल्ड वीडियो है, आपको सारा कुछ बताता हूँ उस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी जाके कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस आउट ना करो। एंड अब आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। यार, सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे को ये जॉब कैसे मिली। तो जैसे ही मैं कनाडा आया था उस टाइम से ही जॉब्स ढूंढनी मैंने शुरू कर दी थी, ऑन कैंपस भी और ऑफ कैंपस भी सारा कुछ। एंड उस टाइम पे ना एक टैक्स क्लिनिक करके कुछ हो रहा था कॉनेस्टो का कॉलेज के अंदर। मेरे को पता था ये मेरा डोमेन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, अकाउंटेंट्स का डोमेन है, उनको टैक्स वगैरह फाइल करने होते हैं। बट स्टिल उस टाइम पे टैक्स क्लिनिक वॉलंटियरिंग का एक सीन था सारा कुछ। उस टाइम पे मैंने वो देखा था एंड मैंने अप्लाई कर दिया था। एक फॉर्म मैंने सारा फिल आउट कर दिया था उस टाइम पे कि मेरे को भी वॉलंटियर करना है टैक्स क्लिनिक के अंदर। चाहे मेरा डोमेन नहीं था बट स्टिल आई वांटेड टू डू, क्योंकि मेरे को उससे पता था कि मैं इससे काफी कुछ सीखूंगा। तो उस टाइम पे मैंने 5 सेशंस लगाए थे टैक्स क्लिनिक के। एक मैंने वाटरलू के अंदर लगाया था, 2 यहाँ पे थे लॉरियर यूनिवर्सिटी के अंदर, 2 मेरे अपने कॉनेस्टो का कॉलेज के अंदर। एंड उन सेशन से काफी कुछ सीखने को मिला था। एंड सबसे बड़ी बात, उस टाइम पे जो मेन ITC थे जो सारा कुछ ऑर्गेनाइज करवा रहे थे वहाँ पे टैक्स क्लिनिक के, मैंने उनको अपना यूट्यूब चैनल भी दिखाया था कि हाँ मैं इस चीज़ की भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड ये भी अपलोड करूंगा अपने चैनल के ऊपर। तो वो काफी इंप्रेस हुए थे इन सब चीज़ों से एंड उन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया था। तो उन्होंने मेरे को कहा था कि फ्यूचर के अंदर मे बी एक सोशल मीडिया के रिलेटेड कोई पोस्टिंग आएगी तो डेफिनेटली आई लेट यू नो। तो मैंने अपना कंटेंट तो पोस्ट करना ही था, मैंने अपनी पोस्टिंग वगैरह रेगुलर रखी एंड उस टाइम पे एक ओपनिंग आ गई थी एंड उन्होंने मेरे को भेजी थी, मैंने अप्लाई कर दी थी उसके लिए। मैंने उसका बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड एक रेज्यूमे बनाया था जिसके अंदर मैंने अपनी रेफरेंसेस डाली थी, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, पूरा ATS फ्रेंडली, पूरा जॉब के रिलेटेड, और खुद का एक प्रॉपर एक अच्छा सा रेज्यूमे और एक अच्छा सा कवर लेटर बना के मैंने अप्लाई किया था उस जॉब के लिए। और मेरे को कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरे को ये जॉब मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आई वॉज नॉट श्योर। लेकिन पूरा एक महीने के बाद, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 महीने के बाद मेरे को ईमेल के ऊपर ऑफर आ गई थी। पिछले 2 हफ्ते पहले ही वो जॉब शुरू हुई है। तो बेसिकली मेरा जॉब क्या है, पहले आपको बता देता हूँ कौन से डिपार्टमेंट के अंदर हुई है। मेरी इंटरनेशनल सर्विसेज के अंदर हुई है एंड जो जॉब रोल है वो है एज एन इंटरनेशनल आउटरीच स्टूडेंट एम्बेसडर। बेसिकली मैं अब आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है। तो जैसे कि आपको पता है, जब आप कॉलेजेस के अंदर यहाँ आ रहे होते हो, आपके एडमिशन वगैरह सब डन हो जाता है, 1 महीने पहले आपको आपके स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर या जो भी आपका पोर्टल होता है उसके ऊपर आपको दिखने लग जाते हैं लिंक्स कि हाँ इस डेट को ये वेबिनार होगा इतने बजे। जैसे कि आपको वेबिनार्स के नाम बताऊँ, ट्रैवल टू कैनेडा, सेफ प्लान, हाउसिंग, एकोमोडेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग, या फिर हाउ टू बी अवेयर ऑफ स्कैम्स, ओरिएंटेशन। तो ये वेबिनार्स के लिंक्स आपको आने लग जाते हैं एंड डेफिनेटली आपने ये वेबिनार्स भी अटेंड करे होंगे। तो मेरा भी जॉब रोल मेन वही है कि उन वेबिनार्स के अंदर स्टूडेंट्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर काम करना, और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं जिनके अंदर काम है, बट जो मेजर रोल है वो यही है कि वेबिनार्स वीकली जो अटेंड होते हैं उनके अंदर स्टूडेंट्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बताना, अगर वो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको एक राइट गाइडेंस देना अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आप इंडिया में बैठे होते हो, मैं खुद एक टाइम पे सोचता होता था कि यार मैं वेब डेवलपमेंट के अंदर जा रहा हूँ, ये कोर्स कैसे क्या है। मतलब उस टाइम पे आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए होता ना किसी स्टूडेंट का, स्पेशली जो उसी कोर्स में उसी कॉलेज से प्रोग्राम कर रहा होता है वो, कि यार क्या सीन है वहाँ पे, ट्रांजिट सिस्टम कैसे क्या है, अकोमोडेशन कैसी है, जॉब्स वगैरह का क्या सीन है, पार्ट टाइम फुल टाइम। तो यार वही स्टूडेंट सारे एक्सपेक्ट करते हैं। तो हमारा जॉब रोल वही है बेसिकली कि स्टूडेंट्स को एक राइट गाइडेंस प्रोवाइड करना, जो भी वो क्वेश्चन वगैरह पूछे उनके राइटली आंसर करना। उसके अलावा मेरा ये भी जॉब रोल है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो कॉनेस्टो का ऑफिशियल पेज है उसके ऊपर पोस्टिंग्स डालना, जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग या ट्रांजिट सिस्टम के ऊपर, ये सारी जो पोस्टिंग्स हैं ये भी वीकली डलेंगी सारा कुछ। इसके अलावा यार एक और रोल है जैसे कि आउटरीच बूथ लगाना। तो जैसे कि आपको पता है, जब आप यहाँ पे कॉलेजेस के अंदर न्यू आते हो ओरिएंटेशन पे या वैसे रेगुलरली, तो उस टाइम पे बूथ लगते हैं जहाँ पे आपको ऐसी टी शर्ट्स या फिर मतलब कॉलेज के नेम प्रिंटेड की टी शर्ट्स वगैरह मिलती हैं, या फिर पेन मिलते हैं, स्टिकर्स मिलते हैं, बैग्स, मग्स, ये सारा कुछ मिलता है, राइट। तो उसके बूथ लगाना कि स्टूडेंट्स आएंगे, मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, अगर वो सही आंसर करते हैं तो उनको प्राइजेस मिलेंगे। तो ये सब भी है। उसके अलावा काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है,
डेली मीटिंग्स होती हैं, सारा कुछ होता है। ग्रोथ वाले पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। उसके अलावा कॉलेज के अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर पोस्टिंग्स वगैरह करनी है, जो स्टूडेंट्स की क्वेरीज वगैरह आएंगी उनको रिस्पॉन्स बैक करना। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं जो मेरे को करने हैं, एंड अभी मैं सीख रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ ये सारा कुछ। मैं मंडे टू थर्सडे कॉलेज में काम कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं 4 आवर्स काम कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली। उसके अलावा फ्राइडे को मैंने छुट्टी ली हुई है। तो मेरे जॉब रोल के अंदर ऐसे है, मैं 50% ऑफ द टास्क अपनी शिफ्ट में से पूरा वर्क फ्रॉम होम कर सकता हूँ, 50% मेरे को ऑन साइट जाके करना पड़ेगा। तो मैंने ट्यूसडे को वर्क फ्रॉम होम लिया है। ट्यूसडे को मीटिंग्स वगैरह लगानी होती हैं, जो भी कंटेंट वगैरह उसके बारे में बताना होता है। और उसके अलावा सैटरडे संडे को मैं 16 घंटे 8-8 घंटे की 2 शिफ्ट्स लगा रहा हूँ वॉलमार्ट पे। वो जॉब मैं इसलिए नहीं छोड़ रहा क्योंकि फ्यूचर के अंदर जब मेरा कॉलेज खत्म होगा, इनिशियली अपने सर्वाइवल को मैनेज करने के लिए मेरे को वो जॉब भी चाहिए होगी। एंड उस जॉब पे भी मैं काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ, वहाँ पे भी बहुत कुछ इन्जॉय कर रहा हूँ। तो मैंने अभी तक आपको जॉब रोल के बारे में बता दिया क्या है और कौन सा डिपार्टमेंट के अंदर मिली है। अब आगे बात करते हैं पे की। तो पे है यार मिनिमम वेज के ऊपर, विच इज 16.55। पे चाहे मिलती ना मिलती, बट अगर मेरे को ये रोल वैसे भी मिल जाता ना, मैं डेफिनेटली करता, क्योंकि इसके थ्रू मैं बहुत सारा कुछ सीख रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से नेटवर्क क्रिएट कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली अगर आप भी यहाँ पे आ रहे हो तो आपको इन चीज़ों के अंदर एक्टिवली अपने आप को इन्वॉल्व रखना है, पोस्टिंग्स देखते रहना है। अगर कोई वॉलंटियरिंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो डेफिनेटली वॉलंटियर करना है। ये चीज़ें आपको लगता है कि उस टाइम पे बेनिफिट नहीं देंगी, बट लॉन्ग टर्म के अंदर इसका बहुत बेनिफिट होता है। लेट्स से अगर आप यहाँ पे अपॉइंट हो जाते हो, आप कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको काफ़ी स्टाफ जानने लग जाता है, तो आपकी एक अलग ही इमेज बन जाती है। वो अलग से चीज़ है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कितना नहीं, कितने एक्टिव हो, कितने नहीं, बट डेफिनेटली आपकी एक अलग से पहचान बन जाती है, जिससे आपको फ्यूचर के अंदर जब रेफरेंसेस चाहिए होते हैं ना, उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा चीज़ें काम आती हैं। डेफिनेटली आपको इन सब चीज़ों के अंदर एंगेज रहना है। अगर मैं बात करूँ रेज्यूमे और कवर लेटर की, तो मैं उसकी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अलग से, जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे दिखा के कि मैंने कौन सा रेज्यूमे यूज़ किया। मैंने प्रॉपर एक डिटेल्ड रेज्यूमे बनाया था जॉब प्रोफाइल के रिलेटेड, तो मैंने सारा कुछ उसके अंदर ऐड किया था, इवन अपनी रेफरेंसेस अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स की, सारा कुछ ऐड किया था उसके अंदर, और उसकी एक अगली वीडियो आएगी। उसके अलावा अगर आपको जानना है कि अगर आपको कॉनेस्टोगा कॉलेज के अंदर ऑन कैंपस जॉब कैसे अप्लाई करनी है एंड पोस्टिंग्स वगैरह कैसे देखनी है कि कौन सी जॉब्स की हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पे आपको आई बटन के अंदर लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करो एंड वहाँ जाके आपको पता लग जाएगा कि आप स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर कैसे जॉब्स वगैरह देख सकते हो एंड कैसे अप्लाई कर सकते हो। और इस टाइम पे थोड़ा सा हेक्टिक हुआ है, बट स्टिल आई एम एबल टू मैनेज एवरीथिंग। मैं अपना ऑफ कैंपस ऑन कैंपस का काम, उसके अलावा अपनी असाइनमेंट्स, मेरा हफ्ते में 5 दिन कॉलेज होता है वो भी, तो यार सारा कुछ मैनेज कर पा रहा हूँ लकीली। और मेरे को वॉलमार्ट के अंदर भी एक्स्ट्रा आवर्स मिल रहे थे कॉलेज के अंदर भी, बट मैं वो नहीं ले रहा। क्यों? इस चीज़ का ज़रूर आप लोग भी ध्यान रखना कि आपका जो मेन गोल है ना, वो आपकी फील्ड जॉब या जो आपका करियर है उसके रिलेटेड ही रहना चाहिए। अब जैसे मेरे को एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक जॉब लेनी है जो कि मेरा गोल है और मेरे को उसको अचीव करना है, तो यार अभी के लिए अगर मैं एक्स्ट्रा 2-4 घंटे की शिफ्ट लगा लूँगा, उससे बेटर अगर मैं दिन के 2 घंटे एक्स्ट्रा अपनी स्टडी को दूंगा ना, वो मेरे को लॉन्ग टर्म के अंदर ज़्यादा बेनिफिट देगी। क्यों? अगर मैं यहाँ पे महीने का $2,000 कमा रहा हूँ, अगर मेरे को अच्छी जॉब मिलेगी, फील्ड जॉब मिलेगी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वहाँ पर मैं महीने का $4,000-6,000 तक कमा सकता हूँ, तो वो ज़्यादा चीज़ बेनिफिट देगी मेरे को। तो मैं अपने जो मेरा करियर है ना, उसके साथ मैं स्टिक रहना चाहता हूँ, तो मैं एक्स्ट्रा आज नहीं ले रहा। तो आप लोगों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप 2 घंटे एक्स्ट्रा शिफ्ट लगा लोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके $30-32 एक्स्ट्रा बन जाएंगे, बट अगर आप वो $30-32 को सेक्रीफाइस करके 2 घंटे अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर लोगे ना, वो फ्यूचर के अंदर आपको ज़्यादा ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगी, एंड डेफिनेटली मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। तो मेक श्योर करना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। कनाडा आ रहे हो, अपना नेटवर्क बनाओ, रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं यहाँ पे, लोगों से मिलो, बातचीत करो, सारा कुछ, एंड अपॉर्चुनिटीज आपके पास फिर खुद ही आएंगी। एंड बस यही अपडेट देना था आपको इस वीडियो के अंदर। अगली वीडियो रेज्यूमे के ऊपर बनाऊंगा। बाकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे मैसेज कर लेना, नहीं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर, नहीं तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी ईमेल के ऊपर भी मेरे को ईमेल भेज सकते हो। एक ईमेल आपको मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर इस वीडियो के मिल जाएगी, आप मेरे को एक ईमेल डाल देना, मैं वहाँ पे रिवर्ट बैक कर दूंगा। तो गाइज यही बताना था बस आज की वीडियो में आपको कॉनेस्टोगा कॉलेज के बारे में कि मेरे को ऑन कैंपस जॉब कैसे मिली। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।